नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 HD। बड़ी खबर है मथुरा से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक दल अधिक से अधिक अपनी और लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं को अपनी ओर रिझाने में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर वरिष्ठ सभा कार्यकर्ता अशोक जाटव को नवीन जिम्मेदारी दी, जिसके चलते अशोक जाटव रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई जगह पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार से लोग काफी त्रस्त हैं। वर्तमान सरकार जल्द ही जाने वाली है। हमारी पार्टी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा मुझे नवीन जिम्मेदारी दी गई है, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। हमारे द्वारा लोगों तक हमारी पार्टी की नीतियों को पहुँचाया जा रहा है। हमारी सरकार आते ही लोगों को काफी राहत मिलेगी। बाबा साहब को माला की है, और माला करने के बाद अब मैं अभी आगे का और भी प्रोग्राम बना रहा हूं, जो मैं जो बिग गेट पर माला करने जाऊंगा बाबा साहब को, जो मथुरा की हमारी सबसे बड़ी शान बाबा साहब की बिग गेट पर ही है। तो मैं उधर माला करने के बाद फिर मेरा अभी 5-6 जगह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि पहले सबसे पहले बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ, और नमन करने के बाद मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों पर जो भी मुझे जो ऊपर से निर्देश मिले हैं मैं पार्टी के लिए। नेताजी, नवीन जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से निर्वहन करेंगे इस जिम्मेदारी का? नहीं, मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी जो मिली है राष्ट्रीय सचिव की, अम्बेडकर वाणी, समाजवादी अम्बेडकर वाणी की, और मैं जाकर जो मोहल्ले हैं, गाँव हैं, उनमें मैं पूरी तरीके से जी जान से जो मेहनत करूँगा, और वोटर के लिए समझाना सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरीके से हमको वोट करना है। समाजवादी और लोकदल जो गठबंधन हुआ है हमारा, उसके लिए मैं घर घर में घुस के माँ बहन, खास करके माँ बहनों को भी ज़्यादा समझाना है कि इस तरीके से हम लोगों को जो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं इस शासन में, वो अत्याचार ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से वोट दें, और जो भी अत्याचार होगा उसका हम मुकाबला करेंगे, उसका जो ऐसी घटना ना हो, क्योंकि इस टाइम समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी। बस मैं इतनी बात करना चाहता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद। धन्यवाद भाई, सभी लोगों को, यहाँ उपस्थित लोगों को, और इस नव वर्ष के मौके पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव द्वारा इनको राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है, तो मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहूँगा। इस उपलक्ष्य में हम बाबा अंबेडकर साहब का आशीर्वाद लेने आए, और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि समाजवादी का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय सचिव जी निर्वाह करें मथुरा के अंदर, जैसे जन जन तक राष्ट्रीय सचिव जी का, राष्ट्रीय सचिव का अपना निर्वाह करें, और दूसरी ये कि समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जिससे हमें लड़ने में सक्षमता मिले। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।